दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए राकेश डायना क्लासेस को और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम लाइव आए या फिर कोई भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास आ जाए सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों। सो गाइस कैसे हैं आप सब। सो गाइस हमने पहले मैथ की वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे और आप लोग कमेंट आ रहे थे, इसलिए आज हम फिजिक्स का कंप्लीट करेंगे। ओके, इसमें क्या कि हम सारे टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सो देखिए हमारा फर्स्ट यूनिट है, ओके, यानी पार्ट है हमारा फर्स्ट पार्ट यूनिट मेजरमेंट। देखिए मेजरमेंट में क्या होता है, इसमें आता हमारा डायमेंशन फॉर्मूला और उनके यूनिट्स। जैसे एक बार पूछा गया था कि प्लैंक कांस्टेंट की डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, और उसमें साथ में पूछा गया था कि उसकी यूनिट क्या होती है। एक बार पूछा गया था कि हीट का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है। सो हमारा फर्स्ट यूनिट से बनता है डायमेंशन फॉर्मूला, ओके, यानी यूनिट्स और उनके डायमेंशंस। सो यहाँ पर हमारे फर्स्ट यूनिट में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, साइनिफिकेंट होमोजेनिटी ये सब कुछ नहीं आता है। ओके, हमारा यूनिट्स और डायमेंशन इसमें इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए जो सेकंड वाला है ये कुछ नहीं है, वेक्टर क्या आपको पता है, मैथ में आपने पढ़ा होगा वेक्टर क्या होता है, बस यही पता होना चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए ये आपको पता होना चाहिए, छोटे छोटे टर्म है ये, बिल्कुल आपकी क्लियर होनी चाहिए। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फ़र्क होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, एक उसका होता है रिटार्डेशन यानी एक्सेलरेशन का अपोजिट। ओके, ये क्या है, ग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्राफ। ओके, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, इक्वेशन ऑफ मोशन, इससे कम से कम दो न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं और डेफिनेशन रहेगी वो अलग। ओके, नेक्स्ट देखिए मोशन अंडर ग्रेविटी, ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी जब ग्रेविटी में ट्रेवल करेगी, ये वो वाला टॉपिक है, यानी ये थर्ड वाला जो टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें देखिए मोशन, सर्कुलर मोशन, सेंट्रिपिटल एक्सेलेरेशन, फोर्स, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, टर्निंग एट अ रोड, ओके, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल और कॉनिकल पेंडुलम। सो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। ओके, सारे टॉपिक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिए लॉ ऑफ मोशन, ओके, देखिए जितने भी मोशन वाला यूनिट है ना, इसमें जितने भी टॉपिक हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है, बाकी जो नहीं होगे मैं अभी बता दूंगा। इनर्शिया भी है, फोर्स, इम्पल्स फोर्स, लीनियर मोमेंटम, इम्पल्स, और हमारा लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ, सेकंड, थर्ड लॉ, वेट, रॉकेट। रॉकेट से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार पढ़ लेना। ओके, उसका फॉर्मूला क्या होता है रॉकेट का, एग्जॉस्ट निकालने का, वो होता है ना एफ इज इक्वल टू माइनस यू डी एम बाई डी टी, वो वाला फ्रिक्शन। ओके, इंक्लाइन प्लेन, टेंशन, एक ही इंक्लाइन प्लेन वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, यहाँ पर टेंशन हो जाएगा, बॉडी इन कॉन्टैक्ट और पुली मास सिस्टम, पुली मास सिस्टम भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो मैंने यहाँ पर दो टॉपिक कट करवा दिए, बाकी सारे इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारा वर्क पावर एंड एनर्जी। देखिए वर्क क्या होता है, पावर, एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम से एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि न्यूमेरिकल आया था, इससे भी इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेशन एनर्जी, सो यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट हैं 1D और 2D में। ओके, नेक्स्ट हमारा रोटेशनल मोशन, यहाँ पर देखिए सेंटर ऑफ मास। ओके, आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास होता क्या है, ट्रांसलेशन क्या होता है, रोटेशनल रिजिड बॉडी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और देखिए रेडियस ऑफ गायरेशन से जो सीएसबी वालों ने अपनी ऑफिशियल साइट पे मॉक टेस्ट डाला ना, उसमें एक न्यूमेरिकल है इसमें रेडियस ऑफ गायरेशन, ये क्या होता है हमारा, आई इज इक्वल टू एम के स्केयर, के यहाँ पर क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, यहाँ पर देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारा इंपॉर्टेंट है, रोटेशनल, एंगुलर, टॉर्क। ओके, सो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशन, देखिए ग्रेविटेशन में एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, सारा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से न्यूमेरिकल बनते हैं, एस्केप वेलोसिटी, वेटलेनेस के, अब तीन प्रॉपर्टीज होती है इसकी। ओके, फ्री फॉलिंग बॉडी और एक वो लिफ्ट का वाला चक्कर होता है इसमें, सो इसमें दो तीन केस होते हैं वेटलेसनेस, सो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ, इलास्टिसिटी। अब जो एयरफोर्स का पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि इसकी इलास्टिसिटी किस किस की फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, टेम्परेचर वगैरह, उनसे क्वेश्चन पूछा गया था, इलास्टिसिटी, स्ट्रेस और स्ट्रेन, हुक लॉ क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला भी पूछा गया था, कंप्रेसिबिलिटी, थर्मल स्ट्रेस, पॉइजनस रेशो, और देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, कैंटिलीवर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये सब कर लेना। नेक्स्ट हाइड्रोस्टेटिक, ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे क्या कि
रीजंस पूछे जाते हैं, ओके, प्रैक्टिकल्स चीज़ें पूछी जाती हैं, फ्लूड प्रेशर, पास्कल्स लॉ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉ ऑफ रोटेशन, सारी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हाइड्रोडायनेमिक्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ओके, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी से, प्रैक्टिकल यूजेस पूछे जाते हैं, पॉइज़नस फॉर्मूला, सारे इंपॉर्टेंट हैं, सभी को आपको पता आना चाहिए, सरफेस टेंशन भी। और ये देखिए हमारा हीट वाला, हीट में देखिए हीट क्या होता है, टेम्परेचर, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, किससे लॉ के ऊपर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ एनर्जी, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, स्टीम वाटर, यानी जो तीन कंडीशन में होता है उसे बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, के स्पेसिफिक हीट यानी सी से हम इसको डिनोट करते हैं, वो क्या होता है हमारा क्यू बाई एम इंटू डेल्टा टी। लेटेंट हीट क्या होता है, ओके, प्रिंसिपल कैलोरीमीटर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, और प्रैक्टिकल अप्लाइंस ऑफ एक्सपेंशंस, ओके, ये कुछ एप्लीकेशंस है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो ये तो हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसमें हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा है काइनेटिक थ्योरी। देखिए गाइस, मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिवाय कि डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने वाले टॉपिक से, ओके, ये इंपॉर्टेंट हमारे डिग्री ऑफ फ्रीडम का, बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ओके, बस आपको डेफिनेशंस पता होना चाहिए, यदि टाइम लगे तो पढ़ लेना कि रियल गैसेज क्या होते हैं, ओके, गैस लाभ, वरना आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में ये सब क्या होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा थर्मोडाइनमिक्स, ओके, इसमें सारे हीट का कवर हो जाता है। यहाँ पर क्या देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्नोट साइकिल और हीट इंजन से हमेशा एक क्वेश्चन आता है, रेफ्रिजरेटर से, ये सारे एक जैसे टॉपिक हैं, ओके। सेकेंड लॉ क्या होता है, आइसोथर्मल के कर्व क्या होते हैं, थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, इंटरनल एनर्जी, इसे पूछा गया था, इंटरनल एनर्जी से आपको पता होगा कि टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है या फिर नहीं, ओके, सो इसका आंसर होगा यस, इंटरनल एनर्जी हमारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ओके। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफॉर्मर हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ओके, सारे इंपॉर्टेंट है ये। और सोलर कांस्टेंट की कितनी वैल्यू होती है, 1.937, ये भी पूछा गया था एग्जाम में, सोलर कांस्टेंट की क्या वैल्यू होती है। नेक्स्ट देखिए ओसिलेशन, ओके, ओसिलेशन में देखिए ये की वाला हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, यहाँ पर क्या है, ओसिलेशन लिक्विड ना यूट्यूब, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, यहाँ पर स्प्रिंग पेंडुलम, टोर्सनल कंपाउंड, और ये जितने भी है ना, बस आपको इनका तो हल्का सा बताना चाहिए कि इसमें है क्या, बस थोड़ी सी एक बार पढ़ना है। और देखिए सेकंड पेंडुलम के टाइम कितना होता है, वो होता है हमारा 2 सेकंड, टाइम पीरियड क्या होता है हमारे सेकंड पेंडुलम का, 2 सेकंड, कई बार एग्जाम पूछा गया ये, बस इसे डेफिनेशन पढ़ लेना, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंपल पेंडुलम, एनर्जी, फोर्स, ग्राफिकल, ओके, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, हार्मोनिक, ऑसिलेटरी, पीरियडिक, ओके। नेक्स्ट देखिए वेव एंड साउंड, वेव एंड साउंड से क्या पूछा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव, साउंड, लाइट, कौन सी वेव से रिलेट करती है, सो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, शॉक वेव, बो वेव्स, ओके, यहाँ पर देखिए बीट्स, स्टेशनरी वाइब्रेशन, ऑर्गन पाइप्स, सो यहाँ पर हमारे सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूँगा इसे कम से कम 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बस इस पर एक टॉपिक मत करना, वो हमारा वेंडीग्राफ जनरेटर, बाकी इस पे सारे इंपॉर्टेंट, लाइटिंग, कंडक्टर हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओके, कि सेल मेटल का यूज़ यहाँ पर किया जाता है, इस टाइप से रिडिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ओके, ये जितने भी यहाँ पर टॉपिक लिखे हुए सारे इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूँ, इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर सको, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए टाइम बहुत कम रह गया है, इसलिए सिलेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ना होगा। नेक्स्ट देखिए हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, ओके, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें पार्ट डिवाइड हो गए हैं। देखिए यहाँ पर देखिए कलक इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करंट डेंसिटी, ओके, यहाँ पर क्या होता है, जे इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एच, ओके, इस टाइप से निकालते हैं। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, से यहाँ पर भी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर टॉपिक, यानी करंट से जितने भी रिलेटेड टॉपिक हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ओके। किरचॉफ्स लॉ, ग्रुपिंग ऑफ सेल, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा हीटिंग एंड केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ओके, यहाँ पर देखिए हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रिक पावर, एनर्जी, फ्यूज, शॉर्ट सर्किटिंग, ओवरलोडिंग, से यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट है, फ्यूजिंग ऑफ प्लग व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, थर्मोपाइल। सो गाइज, ये जितने मैं कट कर रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, टेम्परेचर, इमर्शन, पावर, बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, ओके, बस ये लास्ट वाले कट कर देना, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट,
ओके, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सारे इम्पोर्टेंट हैं। ओके, ये भी हमें सारे करने होंगे, बिल्कुल A to Z। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिज्म, नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल कुलाम्बला मैग्नेटिक डायपोल। ओके, M = 2L, ये होता है हमारा मैग्नेटिक डायपोल। ओके, सो ये भी हमारे सारे कंप्लीट हो जाते हैं। मैग्नेटिक मैप नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी EMI, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है। फेराडे लॉ, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, एडी करंट, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। इससे हमारा न्यूमेरिकल भी बनता है और डेफिनेशन भी बनती है। अल्टरनेटिंग करंट, ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अल्टरनेटिंग करंट से जितनी भी इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, पावर निकालना। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, DC मोटर, AC मोटर, वॉटलेस करंट, करंट एंड पोटेंशियल रिलेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सारे। और देखिए गाइज, यहाँ पर रे ऑप्टिक्स से है। देखिए जो इस साइड वाले, ये आपको सारे कवर करने हैं। रे ऑप्टिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ओके, लेंस क्या होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, कटिंग ऑफ लेंस, प्रिज्म, डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, ह्यूमन आई, कैमरा, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल, एब्रेशन, स्कैटरिंग, डेली लाइफ एग्जाम्पल, डेली लाइफ मतलब प्रैक्टिकल यूजेस। ओके, जैसे मायोपिया, उसमें हम किस लेंस का यूज़ करते हैं, सो इस टाइप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। वेव ऑप्टिक्स से क्या होता है, कॉर्पस्कुलर थ्योरी, हाइजेंस प्रिंसिपल, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, सो ये सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। पोलरॉइड, पोलराइजेशन किसका एग्जाम्पल है, डिफ्रैक्शन, फ्रिंज वेव इंटरफेरेंस, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन फोटोन, यहाँ पर क्या बताना चाहिए कि किसने डिस्कवरी की है। ओके, कैथोड में नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव रेज होते हैं, फोटोन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, कंप्टन इफेक्ट, सो यहाँ पर ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक्सरे और उसकी प्रॉपर्टीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। एटॉमिक फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए डेल्टन एटॉमिक थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड, थॉमसन और बाकी ये जो है इनको थोड़ा सा पढ़ लेना, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स, आपको पता ही होगा कि आइसोटोप्स, आइसोबार क्या होते हैं। ओके, यहाँ पर ये है ना जो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, रेडियो एक्टिविटी, उसका लॉ और उससे रिलेटेड फॉर्मूले, फिजन और फ्यूजन, उनकी चेन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड होता है। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि यदि सिलिकॉन को हम बोरॉन से डोप्ड करवाएंगे तो हमारा कौन सा सेमीकंडक्टर फॉर्मेट होगा। ओके, सो होगा हमारा P-टाइप सेमीकंडक्टर। सो इस टाइप से यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए सॉलिड, ओके, सो यहाँ पर जितने भी टॉपिक है इंपॉर्टेंट है, ट्रूथ टेबल, लॉजिक टेबल आपने पढ़े होंगे 12th में। ओके, सो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, PN जंक्शन डायोड, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर। अब देखिए हमारा लास्ट टॉपिक है यहाँ पर है कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन में क्या पूछ लिया जाता है, रेडियो, TV ट्रांसमिशन। ओके, किस वेव का यूज़ किया जाता है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, इस टाइप से क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, TIR का फेनोमेना होता है। ओके, GPS, मोबाइल टेलीफोनी, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, अर्थ एटमोसफेयर, EM वेव्स और डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, सो गाइज यहाँ पर ये मैंने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर फिजिक्स के कवर करवा दिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम बहुत कम रह गया है इसलिए। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो गाइज लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।